दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 6 सितंबर 2021 सोमवार। एक बार फिर से हम आपके लिए सरकारी नौकरी की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 विभागों के अंतर्गत बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन भर्तियों के लिए आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं 12वीं डिग्री पास के लिए यहाँ पर सुनहरा और बड़ा मौका निकला है। रेलवे के अंतर्गत, फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी यहाँ पर अप्लाई करने का बड़ा मौका निकला है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की। 150 वैकेंसीज है, 6000 से 9000 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 55 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। IRCTC.com या फिर apprenticeshipindia.org पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 सितंबर 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है सबॉर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट है इसमें फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर सहायक अग्निशमन अधिकारी की। टोटल 629 वैकेंसीज है। फायरमैन के लिए 600 जबकि असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए 29 वैकेंसीज निकली है। फायरमैन के लिए सैलरी Level 4 के अंतर्गत, असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए Level 8 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं पास और डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष है। जनरल UREWS के लिए ₹450 फीस है। OBC NCL के लिए 350 है। SC ST PH के लिए 250 है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्रा से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पे। फिजिकल की कंप्लीट डिटेल जैसे कि हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है, 160 सेंटीमीटर ST मेल के लिए है। वेट 50 किलोग्राम मेल के लिए, 47.50 किलोग्राम फीमेल के लिए और 50 किलोग्राम ST मेल के लिए है। चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर है मेल और 76 से 81 सेंटीमीटर है ST मेल के लिए। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। RSMSSB.rajasthan.gov.in या फिर SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 सितंबर 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में। टेक्नीशियन कैडर की यहाँ पर पोस्ट है। 306 वैकेंसीज है। सैलरी की बात की जाए तो लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए 29,200 से 92,300 सैलरी है। CSSD टेक्नीशियन के लिए 25,500 से 81,400 है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए 44,900 से 142,400 है। फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए 35,400 से 112,400 है। 12th डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए ₹300 फीस है। SC ST PH और EWS के लिए 150 है, जो कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। UKMSSB.org पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 सितंबर 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो 4 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेल व्हील फैक्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय के अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए 192 सीट्स है। 10,899 से 12,261 यहाँ पर सैलरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं।
15 से 24 वर्ष आयु सीमा है, ₹100 फीस पेमेंट करना होगा। SC/ST PhD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, जो कि आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। मेरिट से इसमें आपका चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। rwf.indianrailways.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 सितंबर 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 आउट लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग PSC के अंतर्गत भर्ती है। ये भर्ती होगी कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2021 के माध्यम से। असिस्टेंट इंजीनियर AE की पोस्ट है, 281 वैकेंसीज है, 44,900 से 142,400 लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए यहाँ पर ₹225 फीस है। SC/ST EX सर्विसमैन जो UP के है केवल, उनके लिए 105 है। PH के लिए यहाँ पर 25 है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम, पेपर फर्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव टाइप और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। upsc.up.nic.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 13 सितंबर 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 6 सितंबर 2021 सोमवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।